बीकाजी स्टाइल बीकानेरी भुजिया घर पर बहुत ही आसानी से सिर्फ 8-10 मिनट में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले भुजिया का डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में 2 कप यानी 300 ग्राम बेसन ले लिया है। इसमें 3 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चुटकी हींग भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सेमी सॉफ्ट डो बनाना है। धीरे धीरे पानी डालना है, एक बार में नहीं। टोटल 1/2 कप पानी लगेगा यानी 125 ml। डो को टाइट नहीं रखना है, नहीं तो भुजिया बनाते समय मुश्किल होगी। इसी डो से दोनों तरह से भुजिया बनाएंगे, मशीन से और बिना मशीन के भी। हाथ में थोड़ा सा तेल लेकर के डो को चिकना कर लेंगे। डो तैयार है, अब इसे ढक करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। भुजिया बनाने के लिए इस तरह की मशीन मिलती है, इससे आप मोटी पतली भुजिया अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। पतली वाली भुजिया बनाएंगे और इसके लिए पतला छेद वाला अटैचमेंट ले लेंगे। इसे ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मशीन के अंदर अच्छे से ऑयल लगा देंगे, जिससे भुजिया डालने में आसानी रहे। अब इस तरह से इसे बंद कर देंगे। इसी वीडियो में आगे मैं बिना मशीन के बनाने का भी तरीका बताऊंगी। डो को कवर किए हुए 15 मिनट हो गए हैं। हाथ में थोड़ा पानी लगा करके इस तरह से डो को रोल कर लेंगे और मशीन में डाल देंगे। इसे दबा दबा करके भर देंगे। इस तरह से मशीन को बंद कर देंगे। भुजिया फ्राई करने के लिए पैन में रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। तेल गरम हो गया है, मशीन को प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाते हुए डाल देंगे। तेल अच्छे से गरम होगा तभी इस तरह से डो डालते ही झाग बनने लगेगा। जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो उस हिसाब से डो डाल करके लास्ट में इस तरह से छुरी से काट देंगे। भुजिया को क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। जैसे ही एक साइड से हल्की क्रिस्प होने लग जाए इसे पलट दें और हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। देखिए कितनी सुंदर भुजिया बनके तैयार हुई है। इस तरह से इसका तेल झाड़ करके इसे निकाल लेंगे और बाकी भुजिया भी इसी तरह से बना लेंगे। भुजिया बनके तैयार है। देखा ना आपने कितनी आसानी से स्वादिष्ट भुजिया बनके तैयार है। इसे हल्के हाथों से तोड़ लेंगे। ये देखिए लग रही है ना बीकाजी जैसी स्वादिष्ट बीकानेरी भुजिया। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनी है कि ये बनते ही खत्म हो जाएगी। बिना मशीन के भुजिया बनाने के लिए इस तरह से पूड़ी बनाने वाला झारा लेकर के उसके दोनों तरफ अच्छे से तेल लगा लेंगे। थोड़ा सा डो हाथ में लेकर के इस तरह से घिसते हुए गिरा देंगे। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही टेस्टी बनती है। इसे हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। भुजिया में अच्छा रंग आ गया है,
ये क्रिस्प हो गई है, अब इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हाथों से भी कितनी सुंदर भुजिया बनी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स या कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल पूनम्स कुकबुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको डेली मेरी एक नई इजी और टेस्टी रेसिपी का वीडियो मिलता रहे।